यशपाल सिंह वर्मा जी। जी सर। कोई फेमस नाम यश, इसी नाम का कोई व्यक्ति दूसरा फेमस? सर यशपाल शर्मा क्रिकेटर थे जो 1983 वर्ल्ड कप टीम के हिस्सा थे। इसके अलावा प्रोफेसर यशपाल जी थे जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में रिपोर्ट दी थी, और साथ ही यशपाल नाम से एक प्रगतिवादी लेखक जिन्हें मैं याद कर पा रहा हूँ। कोई रचना? सॉरी सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। इंजीनियरिंग करने में 5 साल क्यों लग गए? सर मैं इंजीनियरिंग 12th के बाद सर मैं 1 साल ड्रॉप लिया था। क्यों? सर मैं IIT JEE और JEE मेंस और एडवांस की प्रिपरेशन के लिए 1 साल ब्रेक लिया था। अच्छा ठीक। वर्तमान में आप मंडी निरीक्षक हैं? जी सर। क्या करते हैं उसमें? सर उसमें कृषि जीन्स एवं उपज से संबंधित जो भी क्रय विक्रय होते हैं उनमें हम किसानों को सुविधाएं प्रदान करते हैं विपणन संबंधित, और यह सुनिश्चित करते हैं कि उन्हें उनकी फसल का उचित मूल्य प्राप्त हो, और साथ ही साथ राज्य सरकार के द्वारा जो टैक्स निर्धारित होता है विभिन्न जिन्सों में उनकी प्राप्ति सुनिश्चित करते हैं। क्या प्रॉब्लम्स होती हैं यहाँ पर मंडियों में अभी? सर मंडियों में अभी प्रॉब्लम तो एक सर अधोसंरचना की है कि जिस स्तर की अधोसंरचना होनी चाहिए वो नहीं है। साथ ही साथ सर ये देखा जा रहा है कि व्यापारियों के द्वारा आपस में एक ग्रुप बना लिया जाता है जिससे वे एक सीमित बोली लगाते हैं जिससे किसानों को उनकी उपज का बहुत ज़्यादा मूल्य प्राप्त नहीं हो रहा है। और उसके साथ सर अभी जो युग है वो डिजिटल युग है, लेकिन अभी मंडी अधिकांश मंडियों में जो काम है वो पेन पेपर पे चल रहा है जिसके कारण सभी मंडी आपस में कनेक्ट नहीं हो पा रही है, तो अलग अलग मंडी क्षेत्रों में अलग अलग फसलों का भाव अलग अलग मिलता है, तो इससे इसमें एक रूपता नहीं आ पा रही है। तो आपके द्वारा किया गया कोई बेहतर कार्य इस पद में सुधार के लिए? सर मंडी टैक्स से संबंधित चोरी से संबंधित जब शासकीय धान की खरीदी चल रही थी उस समय मैंने अवैध व्यापार रोकने के लिए प्रकरण बनाया था, करीब 5 प्रकरण बनाए थे जिसमें मंडी अधिनियम के तहत मैंने 5 गुना मंडी शुल्क वसूला था और अवैध व्यापार के नियंत्रण के लिए अलग अलग कार्रवाई की थी। IPL के बारे में क्या राय है आपकी? IPL सर एक घरेलू एक टूर्नामेंट है, T20 क्रिकेट टूर्नामेंट जो कि लोकल टैलेंट खासकर लोकल टैलेंट। आपकी राय पूछ रहा हूँ, तो आप बता रहे हैं कि IPL क्या क्यों कैसे, आपकी क्या राय है IPL के बारे में? सर मेरी राय में IPL एक अच्छा मंच है जो कि देश में जो लोकल घरेलू जो प्रतिभा हैं उनको एक स्टेज प्रदान कर रहा है जिससे वे इंटरनेशनल लेवल के क्रिकेटरों के साथ खेल कर उस प्रेशर को फील कर पा रहे हैं, साथ ही साथ उन्हें मंच मिल रहा है जिससे वे अपनी प्रतिभा को उभार सकें। ऐसा कोई 3 पॉइंट बताइए कि IPL के कारण जो क्रिकेटर्स हैं वो एक्सप्लॉइट नहीं हो रहे। आप IPL के बारे में आपने बताया और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ आप प्रशंसा ही कर रहे हैं कि बेहतर चीज़ है। अगर वो बेहतर चीज़ है और मैं ये कहूँ कि उसकी वजह से क्रिकेटर्स एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, उत्पीड़न हो रहा है उनका, ठीक है, तो आपके पास कोई 3 ऐसे बिंदु हैं जो आप इस बात को काट पाएं कि नहीं एक्सप्लॉइट नहीं हो रहे वो? सर हर क्रिकेटर चाहता है कि वो अपने लाइफ में अच्छा करे, तो उन्हें अच्छा करने के लिए एक मंच चाहिए जिसमें वे चूँकि लोकल जो घरेलू जैसे अभी हाल ही में जसप्रीत बुमराह हो गए हार्दिक पांड्या कुणाल पांड्या इनको एक स्टेज मिला IPL से जिससे हमें देश के जो ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ी सामने आ पाए जिनके ऊपर शायद हमें अगर IPL नहीं होता तो उनकी नज़र नहीं जाती, तो ये उनको एक स्टेज मिल रहा है, तो ये एक्सप्लॉयटेशन मैं नहीं मानता कि उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है इसमें। लेकिन IPL के कारण युवाओं में सट्टा भी तो बढ़ रहा है, जुए की आदत बढ़ रही है। सर ये एक IPL की कमी माना जा सकता है कि या सट्टेबाजी को कब इसमें वृद्धि हो रही है, परंतु इस पर सरकार को कानून लाकर इस पर कड़ाई करनी चाहिए। IPL तो निजी मामला है लेकिन सर परंतु सट्टेबाजी सरकार के अंदर आती है जो जिस पर सरकार को नियंत्रण लाने के लिए कानून लाना चाहिए। अच्छा आप अगर होते तो क्या कानून लाते? सर जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं जिन पर ये इस तरह की गतिविधियां हैं उनके नियंत्रण के लिए उनकी निगरानी के लिए कानून लाया जाता और एक अलग से सिस्टम बनाया जाता। क्या जैसे सर उनकी जितनी भी जानकारियां हैं वो उस शासन के पास उपलब्ध हो, जितने भी उनके डिजिटल प्लेटफॉर्म में
जो भी जैसे जो भी वहाँ पे क्रियाकलाप हो रहे हैं वो समस्त जानकारी शासन के उस तंत्र के पास हो। नोटबंदी से आम जनता किस हद तक प्रभावित होती है, या आपके विचार बताइए उसमें कि आम जनता कैसे उसमें प्रभावित हो जाता है। सर, आम जनता के ऊपर इसका प्रभाव होता है कि उन्हें अपने दैनिक क्रियाकलापों को छोड़कर, जो पिछली नोटबंदी हुई थी जो कि पूर्ण रूप से प्रतिबंधित थी, इसमें उनके अपने दैनिक क्रियाकलापों, उनके दैनिक दिनचर्या को छोड़कर उनके एक्सचेंज नोटों को एक्सचेंज कराने के लिए बैंकों पर लंबी लाइन लगनी पड़ी थी। साथ ही साथ इकोनॉमी भी इफेक्ट आया था सर, जो लोकल घरेलू बाजार हैं उनको वहाँ पे क्रय विक्रय के लिए नोटों की समस्या हुई थी, मतलब मनी की मुद्रा की समस्या हुई थी, जिसके कारण मुद्रा का जो प्रचलन है उसमें कमी आई थी और बाजार में भी कमी आई थी। छत्तीसगढ़ में जो नए जिले बन रहे हैं, छोटे छोटे जिले बन रहे हैं, तो ये प्रशासन के दृष्टिकोण से किस हद तक सही है? सर, नए जिले बनने से प्रशासन का भी विभाजन हो रहा है, ये सत्ता का विकेंद्रीकरण हो रहा है, जिसके कारण लोगों तक शासन की पहुंच में आसानी हो रही है और लोगों की जो समस्याओं का समाधान करने में प्रशासन में और भी ज़्यादा तंत्र शामिल हो रहा है, तो ये लोगों के लिए अच्छा है। अभी मीडिया में कुछ नकारात्मक चीज़ें चल रही हैं, अब पढ़े होंगे PSC के बारे में, इसमें आपकी क्या राय है? सर, जो अभी नकारात्मक चीज़ें चल रही है उसमें यह आरोप लग रहा है कि एक ही परिवार या एक ही क्षेत्र के कुछ विशिष्ट लोगों का उनके उसमें चयन हुआ है, परंतु सर एक ही परिवार या एक ही क्षेत्र के लोग भी चयन नहीं करना, ये कहीं पर नियम नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। परंतु यह उस संस्था की जवाबदारी बनती है कि यदि कुछ आरोप लग रहा है तो उन आरोपों को खंडन करने के लिए जो भी तथ्य हैं उनको सामने लाए, जिससे जनता का और विद्यार्थियों का उन पर विश्वास बढ़ेगा। आप वन सेवा में क्यों जाना चाहते हैं? सर, वन सेवा में जाने के कारण यह है कि मैं इसमें राज्य के लोगों की सेवा के साथ साथ पर्यावरण का भी मैं बढ़ावा में भी वृद्धि दे सकता हूँ, और साथ ही साथ इसमें जैव विविधता के क्षेत्र में भी कार्य कर सकते हैं, और सर एक सम्माननीय पद भी है, तो ये मेरे व्यक्तिगत रूप से भी मेरे लिए अच्छा है। अभी तक आपने कितने पौधे लगाए हैं? सर, मैंने अभी घर में और अपने तालाबों के आसपास करीब 8-10 पेड़ लगाए होंगे। सर, आपने एक मूवी सुनी होगी पुष्पा, कुछ समय पहले काफी प्रसिद्ध हुई थी, तो उसमें एक देखी जी सर, उसमें किस चीज की स्मगलिंग के बारे में हुई थी? सर, लाल चंदन के पेड़ों की। लाल चंदन में ऐसी कौन सी खास बात है? सर, ऐसे स्पेसिफिक तो अभी मुझे जानकारी नहीं है, परंतु एक बहुत ही कीमती पेड़ है और इसका सर स्पेसिफिक यूज के बारे में मुझे अभी जानकारी नहीं है। तुमने दिखाया था क्यों लाल चंदन की स्मगलिंग है, कुछ तो खास बात थी? जी सर, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ उस चीज को। ACF जो पद है तो ये है कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, तो स्मगलिंग कैसे रोकेंगे आप? सर, स्मगलिंग के लिए एक तो जो भी क्षेत्र हैं उनमें अपने अधीनस्थ एवं ऊपर के अधिकारियों कर्मचारियों के साथ मिलकर टीम बनाकर रोका जा सकता है, साथ ही साथ लोगों आसपास के लोगों को उसके बारे में जागरूकता देकर कि इस तरह की अगर कोई गतिविधि होती है तो वो वन विभाग को सूचित करें और उनको यह बताया जाए कि यह उनकी अपनी संपत्ति है, तो इस तरह के अगर अवैध गतिविधियाँ होती हैं तो इनको सुरक्षित रखना उनका भी कर्तव्य है, और वन विभाग को इसके बारे में जानकारी देकर भी इसको बढ़ावा दे सकते हैं इस तरह की। आपने बोला लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करें, जैसे लोकल कम्युनिटी जो है, कई लोग गरीब हैं, बेरोजगार हैं, तो उनको कैसे मोटिवेट करेंगे कि वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन की ओर वो ध्यान दें, अपनी जिम्मेदारी वो समझें, ऐसी क्या बात है जो आप उनको बोलेंगे और वो आपका साथ दें? सर, इसमें जैसे लोकल कम्युनिटी है उन जो खासकर वन क्षेत्रों में वो वनों के ऊपर निर्भर भी रहते हैं, तो यदि वृक्ष वहाँ संरक्षित रहेंगे तो उनसे जो उत्पाद होते हैं उन पर वह उनसे अपनी आजीविका चलाते हैं, तो जितने ज़्यादा ये इस तरह के वृक्ष संरक्षित रहेंगे तो उनकी आजीविका में भी वृद्धि होगी। साथ ही साथ सर, इसमें जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जैसे चीज़ों को शामिल किया जा सकता है, जिसमें सरकार, वन विभाग के अधिकारी एवं वहाँ के लोकल कम्युनिटी वो सब मिलकर फॉरेस्ट को बढ़ावा दें और उनमें जो वनोत्पाद हैं उनका उन लोकल कम्युनिटी को भी लाभ हो। जो ACF का पद बेसिकली फॉरेस्ट एरिया में, जाहिर सी बात है, तो रिमोट लोकेशन
और नेटवर्क क्षेत्र से बाहर सोशल मीडिया से दूरी, इन सबको आप कैसे हैंडल करेंगे? सर इसमें वर्तमान में सर ये जो ACF का पद है वनों की तरफ कार्य करने का अवश्य है। इसमें सर प्रकृति के साथ एक जुड़ाव भी होगा, हालांकि कहीं ना कहीं शहरी जो गतिविधियां उससे दूर रह सकते हैं, परंतु यह कोई समस्या वाली बात नहीं है सर। सर जो मुख्य वनोपज होते हैं और लघु वनोपज होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? सर मुख्य वनोपज में उन पौधों को शामिल किया, उन वृक्षों को शामिल किया जाता है जो खास जो मुख्यतः इमारती लकड़ियां जिनमें शामिल होती है, और लघु वनोपज में उन उत्पादों को शामिल किया जाता है जिसमें उनमें उनके जो बाई जो उनके फसल होते हैं वो लाभकारी होते हैं। हमारे यहाँ जितनी इमारती लकड़ियों का वर्गीकरण है उसमें कौन कौन सी लकड़ियों को शामिल किया गया है? सर इसमें साल, सागौन, साजा, शीशम, खैर, बीजा, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ। हमारे यहाँ जितनी मंडियाँ हैं उसमें राष्ट्रीय मंडियों से उनका क्या किया गया, उनका जुड़ाव किया गया, तो कितने मंडियों को जोड़ा गया है अभी तक राष्ट्रीय मंडियों से? सर इसमें ई नाम के माध्यम से अभी छत्तीसगढ़ में 14 मंडियों को राष्ट्रीय मंडियों से जोड़ा गया है। उसमें सर्वाधिक कौन से ज़िले की मंडियाँ हैं जिसमें सबसे ज़्यादा मंडियों को जोड़ा गया है? सर सर्वाधिक ज़िला मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी सर। प्रोजेक्ट टाइगर होता है, दूसरा टाइगर रिजर्व एरिया होता है, तो ये जो प्रोजेक्ट टाइगर और टाइगर रिजर्व एरिया होता है दोनों में डिफरेंस क्या होता है? सर एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, परंतु जैसे शब्दों के अनुसार मैं अनुमान लगाना चाहूँगा। प्रोजेक्ट टाइगर में सर टाइगर को संरक्षित करने के लिए योजनाएँ बनाई जाती हैं, टाइगर रिजर्व जो क्षेत्र है उसमें एक विशिष्ट क्षेत्र को निर्धारित किया जाता है कि इस क्षेत्र को खासकर बाघों के संरक्षण के लिए अधिसूचित किया जा रहा है। प्रशासनिक आधार पर अगर छत्तीसगढ़ के वनों का वर्गीकरण करें तो किस प्रकार से किया जा सकते हैं? सर इसमें आरक्षित वन, संरक्षित वन और खुला वन। परसेंटेज बता सकते हैं कुछ? सर आरक्षित वन लगभग 43% है, संरक्षित वन 40% एवं खुला वन लगभग सर 16% है। आरक्षित और संरक्षित वन में दोनों में डिफरेंस क्या होता है? सर आरक्षित वनों में जो गतिविधियां होती हैं वो लगभग जो मानवीय गतिविधियां खासकर वो पूर्ण रूप से लगभग प्रतिबंधित होती हैं, बिना शासन की अनुमति के वहां विचरण भी नहीं किया जा सकता। जबकि संरक्षित वनों में वहां के लोकल क्षेत्रों के लिए कुछ छूट, लोकल निवासियों के लिए कुछ छूट दी जाती है, एवं वहां के वन उत्पाद जैसे हो गए वो शासन की अनुमति से जो वहां के लोकल कम्युनिटी है वो उनको यूज़ कर सकती है। मेरा लास्ट जो सवाल है वो ये है कि आप शक्ति ज़िले से संबंधित, तो शक्ति ज़िले के बारे में ऐसा कुछ बताइए, क्योंकि अभी वो नया ज़िला बना है तो पर्यटन में उसको हम किस दृष्टिकोण से देख सकते हैं? सर पर्यटन की दृष्टि से उस क्षेत्र में संभावनाएं बहुत है, खासकर सांस्कृतिक पर्यटन के क्षेत्र में, जिसमें चंद्रपुर, अड़भाड़, गुंजी, दमोदहरा जैसे क्षेत्र खासकर सांस्कृतिक पर्यटन में काफ़ी संभावनाएँ रखते हैं। ठीक जी सर, ये ग्राफ्टिंग क्रॉप क्या होता है? ग्राफ्टिंग क्रॉप या ग्राफ्टिंग क्या होता है? सामान्यतः जो है पेड़ पौधे से संबंधित एक चीज है ग्राफ्टिंग, नाम सुनो? जी सर नाम सुनो पर मैं ये कलम बांधना। अच्छा जी सर, कलम बांधना सर जिसमें जैसे पेड़ों की जो शाखाएं होती हैं या उनकी जो शाखाएं होती हैं उनमें या तो वे मिट्टी की तरफ चली जाएं या सॉरी सर मैं लेयरिंग शायद बता रहा हूँ, सॉरी सर। GM क्रॉप क्या होता है? जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल। सर कई फसलों में कुछ खास विटामिन्स या मिनरल्स होते हैं, परंतु उनमें कुछ कमियाँ होती हैं, तो इन कमियों इनमें अध्ययन कर उनमें ऐसे मॉडिफिकेशन किया जाता है जेनेटिकली जिससे कि वह उनमें जो मिनरल्स या अन्य जो भी उसमें गुणवत्ता की कमी होती है उनको उनमें समाहित किया जाता है। सर कपास, GM कपास और सॉरी सर MAB मैन एंड अच्छा MAB का फुल फॉर्म होता है MAB सर मैन एंड बायो स्फीयर प्रोग्राम।
संस्था सर? यूनाइटेड नेशन। क्या प्रोग्राम सर इसमें? इनमें जैव विविधता संरक्षण के लिए खासकर कुछ विशेष क्षेत्रों का चयन किया जाता है और उसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि उन क्षेत्रों में जो भी जैव विविधता के संबंधित उत्पाद हैं उनको संरक्षित किया जाए। क्या होता है जैव विविधता? सर जैव विविधता में पशु पक्षी उस एरिया के फ्लोरा फौना पौधे। आपको इस कमरे में जैव विविधता दिखाई दे? सर जैव विविधता में हम भी शामिल हैं, साथ ही साथ यहाँ पेड़ पौधे हवा ये हवा संबंधित जो भी क्षेत्र है वो सब जैव विविधता में शामिल है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये जैव विविधता है? यहाँ तो दो तीन ही चीज़ दिखाई दे। सर ये एक छोटा क्षेत्र में इस क्षेत्र में हम कह सकते हैं कि यहाँ पे है, परंतु जैव विविधता के लिए कुछ स्पेसिफिक डेफिनेशन भी होते हैं। इथनोबायोलॉजी एक होता है आपके सिलेबस में है, इथनोबायोलॉजी या इथनोबॉटनी इसका मतलब क्या होता है? सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। दूर संवेदन उपग्रह के बारे में पढ़ा होगा आपने? जी क्या मतलब? संचार प्रणाली के निगरानी के लिए कुछ सैटेलाइट्स स्थापित किए जाते हैं जिनको जिससे उस क्षेत्र में निगरानी की जाती है। हम वनों में हम क्या करते हैं? वनों में निगरानी कर सकते हैं सुदूर संवेदन उपग्रह से? सर वनों में निगरानी के लिए और संचार के लिए इसका यूज़ किया जाता है जिससे वहाँ के क्षेत्रों में जैसे आग लगना इन सब का निगरानी सैटेलाइट के माध्यम से उसमें किया जाता है। शादी हो गई आपकी? फैमिली में रहते हैं? जी सर। अभी पापा के साथ। क्या करते हैं? सर किसान है। तो अभी भी आपकी इनकम है, आप गवर्नमेंट जॉब में हैं? जी सर। इससे आपकी आवश्यकता पूरी नहीं हो रही है? सर आवश्यकता पूरी हो रही है, परंतु यह जो मुझे लगता है मेरी व्यक्तिगत योग्यता है मैं उसमें और भी अच्छा कर सकता हूँ, और साथ ही साथ सर यह हर इंसान का कर्तव्य भी है और यह अधिकार भी है कि वो जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करते रहे। तो अच्छा वो बड़ा पद है इसलिए आप उसमें जाना चाहते हैं? सर बड़ा पद और साथ ही साथ कार्य करने का जो क्षेत्र है वो भी बड़ा है। क्या है बताइए प्लीज, क्या कार्य क्षेत्र है? सर कार्य क्षेत्र में वनों का संरक्षण है, वनों के क्षेत्र में जो जीव जंतु हैं उनका संरक्षण है, साथ ही साथ पर्यावरण की सुरक्षा होगी, जैव विविधता का संरक्षण होगा, वहाँ के जो लोकल कम्युनिटी में लोग रहते हैं उनके साथ मिलकर उनके आय में वृद्धि के लिए कार्यक्रम जो शासन की योजनाएं होती हैं उनका संचालन किया जा सकता है। और सर एक लाभ व्यक्तिगत लाभ भी है कि जो पद और गरिमा के जो सम्मान होता है वो भी उसमें जुड़ा हुआ है। तो आप क्या करेंगे जैव विविधता के संरक्षण के लिए, लोकल कम्युनिटी के विकास के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए? सर इसमें तो शासन की जो अधिकांश योजनाएं उनका सही से क्रियान्वयन करना। बताइए शासन की योजनाएं, बताइए तीन कोई बढ़िया वाली। सर जैसे मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना है और अभी हाल ही में कृष्णपुंज योजना चालू की गई है। क्या ये कृष्णपुंज योजना? सर नगरीय क्षेत्रों के लिए है विशेषकर, जिसमें नगरीय क्षेत्र में एक स्थानों कुछ स्थानों का चयन कर वहाँ के जो सांस्कृतिक और सांस्कृतिक महत्व के जो पौधे हैं उनका वृक्षारोपण किया जाएगा। तो ये पर्यावरण के लिए कर रहे हैं कि सांस्कृतिक बढ़ावे के लिए कर रहे हैं? सर इसमें दोनों लाभ है, संस्कृति का भी लाभ है और पर्यावरण का भी लाभ है। और क्या करेंगे? और सर वहाँ के जो लोकल कम्युनिटी के लोग हैं उनके साथ मिलकर वृक्षारोपण को बढ़ावा देने। सर उनका वृक्षारोपण तो कई साल से हो रहा है, सब कर रहे हैं, सरकार भी कर रही है, सोसाइटियाँ भी कर रही हैं, गांव वाले कर रहे हैं, मगर हो कहाँ रहा, बढ़ कहाँ पा रहा है? सर वृक्षारोपण करने के बाद उन वृक्षों को उनका केयर करना भी इम्पोर्टेंट है जिससे कि वे पूर्ण रूप से विकसित हो सके। तो आप कैसे करेंगे? आपने भी तो कितने 4-5 पौधे लगाए हैं कुछ बता रहे थे आप, क्या हुआ उनका? सर आम का वृक्ष जो भी फला हुआ है आंगन में। अच्छा और बाकी कहाँ गए? तालाब के पास भी आम का वृक्ष जो फला हुआ है। सब आम ही लगा रहे थे आप? सर अब वो गांव का एरिया है तो वहाँ ज्यादातर ऐसे वृक्षों तो दो आम लग गए, फिर बाकी का क्या हुआ? तीन का सर उसमें से सभी संरक्षित नहीं हो पाए क्योंकि सर मैं कुछ दिनों के लिए। तो वो तो घर के आंगन में था तो घर वाले संरक्षित कर लिए होंगे, आप क्या किया उसमें? सर मैं जब चूँकि सर मैं अपने अध्ययन के लिए गांव से कुछ दिनों तक बाहर रहा था, करीब 2-3 साल,
मैं जब भी जाता था उसमें उनमें ध्यान रखता था कि उसमें तो बाप का वेट थोड़ी कर रहा था, घर वाले तो उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे ना, आप क्या करें सर? मैं अब चूंकि वहाँ उपस्थित नहीं था तो इस कारण मैं उसमें विशेष ध्यान नहीं दे पाया था, परंतु भविष्य में यह ध्यान रखूंगा कि इस तरह की चीज़ों को। अच्छा, अगर पद मिल गया तो ध्यान रखेंगे सर? अगर पद नहीं मिला तो भी अब जहाँ पर भी मैं अभी रहूँगा वहाँ इन सब चीज़ों को ध्यान रखूँगा। थोड़ा कॉन्फिडेंस में रहिए, ठीक है, आप बढ़िया हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा आराम से, थोड़ा थम के, थोड़ा आत्मविश्वास के साथ और रिलैक्स, इतना कोई ज़रूरत नहीं है, और थोड़ा रुक कर बोलिए, थोड़ा आराम से बोलिए, एकदम से ऐसे आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी ऐसा कुछ विशेष मुझे कोई समस्या तो नहीं लग रही है देख कर आपको, बाकी सर लोगों का कुछ होगा तो। सर तो बता दिए हैं, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा अगर रहे, क्योंकि नॉलेज अच्छा है आपका मेरी नज़र में, और आंसर ना शॉर्ट में होना चाहिए, थोड़ा लंबा लंबा आंसर जो दे रहे हैं आप तो संक्षिप्त में रहने से प्रभावशाली होता है और उसी से आपके और क्वेश्चन फिर उठेंगे, तो बस यही। कोई तुरंत जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आपने कोई सवाल सुना आप बोल सकते हैं कि सर सोचना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और दूसरी बात, जो शब्द है जैसे बोल रहे हैं तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी में अटक जा रहे हैं, कंटिन्यूटी नहीं मेंटेन कर पा रहे, रुक जा रहे हैं, तो जब सोच के जब आप देंगे ना आराम से तो वो एक कंटिन्यूटी दिखेगा। दूसरी बात, फॉरेस्ट कंजर्वेशन जो शब्द संरक्षण, तो वहाँ पे थोड़ा सा और अध्ययन की आवश्यकता है कि कैसे संरक्षण करें वन उपज का और जंगल का दोनों, मतलब जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर टाइगर रिजर्व के लिए बात हुई थी, हमको इसमें थोड़ा ना राज्य वन नीति हर्बल स्टेट इसके बारे में भी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ACF है तो आपसे ये प्रश्न पूछेगा, तो इसके संदर्भ में थोड़ा और ज़्यादा आपको गहन अध्ययन का जरूरत है। देखिए, नॉलेज का तो टेस्ट हो जाता है वहाँ, एग्ज़ाम जो दिए हैं नॉलेज तो हो चुके हैं वहाँ टेस्ट है। अब यहाँ पर बात जो भी क्वेश्चन पूछेंगे चाहे फैक्चुअल हो या कॉन्सेप्चुअल, बात है बस आपकी पर्सनैलिटी पर, आप बैठे कैसे हैं, बात कैसे कर रहे हैं, ठीक, तो किसी में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कीजिए, और इम्प्रूवमेंट हो सकता है कि दोस्तों के साथ चर्चा करें, मतलब थोड़ा सोशल इन्वायरमेंट में रहें बजाय कि आप रूम में बैठ के और ज़्यादा डीप स्टडी के बजाय थोड़ा सा इस एस्पेक्ट पे ध्यान दीजिए। और एक जैसे कि आप बैठे थे शुरू में एकदम आराम, मतलब आप बैठे के जो पोजिशन था शुरू में एकदम बुकिश था कि आपको पहले से बताया जा चुका है कि हाथ को यहाँ रखना है, ठीक, बाद में थोड़ा सा मूवमेंट आया तो थोड़ा सा मूवमेंट रखें शुरू से ही, है ना, थोड़ा सा बैठने के भी आराम से बैठे शुरू से ही, तो वो चीज़ें जो है कंफर्ट, हाँ कंफर्टनेस जो है शुरू से दिखना चाहिए, ठीक है, बस यही छोटे छोटे चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ और नहीं रहता है। तो दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा बात कीजिए, चर्चा कीजिए, कंटेंट पे हो चाहे ये सब चीज़ों पे हो, बातचीत करने का तरीका रहेगा, इसी पे आपको थोड़ा सा काम करना है, थोड़ा सा। बाकी चीज जो है इन्वायरमेंट जो है वहाँ इंटरव्यू में अलग ही चलता है, ठीक, और किस दिशा में जाता है, कंटेंट में चला गया या आपको बायोडाटा पर चला गया, वो निश्चित नहीं रहता है, लेकिन फिर भी सबसे बेसिक एस्पेक्ट रहता है पर्सनैलिटी, ठीक। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।